तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपने कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोसेसर, उसकी जनरेशन और रैम कैसे चेक करें। सबसे पहले हम दिस पीसी पर आएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आकर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी एक फाइल खुल जाएगी, उसमें जो डिवाइस नेम लिखा हुआ है उसके डिवाइस नेम के आगे हमारा लिखा हुआ है कि वो डिवाइस कौन सा है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है प्रोसेसर। प्रोसेसर के आगे आप जैसे देखेंगे इंटेल आर कोर टीएम i3, यानी i3 लिखा है तो इसका मतलब हमारा ये प्रोसेसर i3 है। उसके आगे जो ये हमारा लिखा हुआ है 5005U, यानी इसका मतलब हमारी ये जो हमारे सबसे स्टार्टिंग का डिजिट होता है ना, जैसे i3 लिखा है तो i3 के बाद जो सी डिजिट है 5 डिजिट लिखी हुई है हमारी, तो इसका मतलब हमारा ये 5th जनरेशन है। इस 5 की जगह अगर 4 लिखा होता तो 4th जनरेशन होगी, 3rd लिखा होगा तो 3rd जनरेशन लिखी होगी, और 10th होगा तो 10th जनरेशन होगी, और अगर i3 या i5 कुछ भी लिखा है तो वो हमारा प्रोसेसर होगा। उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं लिखा, तो हमारा वो ओनली i3 i5 होगा, ओनली 1st जनरेशन होगा वो हमारा। उसके नीचे लिखा हुआ हमारा इंस्टॉल्ड रैम, यानी हमारी 4GB रैम है। और अगर इसके आगे 4GB के अगर इसकी जगह लिखा होता 8GB या 2GB तो उतनी GB हमारी रैम होती। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।